आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से देश के कई शहरों में विश्वविद्यालय चलाने वाला बाबा वीरेंद्र दीक्षित आज भी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके चलते हाई कोर्ट ने बाबा के वकील और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पर सेक्स जेल चलाने वाले अय्याश बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को कोर्ट में पेश न किए जाने और कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई गई है। इसी के साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो बाबा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे। वही इसके साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाबा के खिलाफ किडनैपिंग का मामला भी दर्ज किया जाए, लेकिन उसे जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए। वहीं इससे पहले बुधवार को भी सीबीआई ने दिल्ली के रोहिणी के एक आश्रम में लड़कियों और महिलाओं को बंधक बनाकर रखने और उनके साथ रेप करने के आरोप में स्वयंभू बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने इन 3 मामलों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय विशेष जांच दल भी गठित किया। इसकी अगुवाई एसपी स्तर का अधिकारी करेगा।